आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अक्ल का नाश और अक्ल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग्य कहते हैं। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नरक के तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ डक कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं। मैं अमृतत्व भी हूं और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो
तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सदा हंसते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्णा।